श्री राहुल गांधी साहब के, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का, इन दोनों ने किया। नमस्कार, इन खबर में आप स्वागत। पंजाब कांग्रेस से उठी कांग्रेस की आंतरिक कलह अब दिल्ली तक पहुंच गई है और अचानक गांधी परिवार पर हमला बढ़ गया है। दरअसल बिना किसी हैसियत के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर को हटाया, उसको लेकर के पुराने नेता नाराज हो गए और वो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी किस हैसियत से ये फैसला कर रहे हैं। G23 के बारे में सबको पता है, असंतुष्ट धड़ है, लेकिन नटवर सिंह जो पूर्व विदेश मंत्री है, पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आज एकदम खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार पे हमला किया। ठीक चल रहा, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। पहले तो न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न AICC की मीटिंग होती है। ये तीन लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का, इन दोनों ने किया। भाई इतना बड़ा, इतने दिन से सीनियर आदमी है कांग्रेस के अंदर, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर है, आप ये करते हैं। अच्छा, उसकी जगह आप किसको लाते हैं? श्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर हामिद अंसारी के पास गए कि साहब मैं वापस ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वापस तो हो ही सकता नहीं है। फिर कहा कि कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, तीन नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही सारे फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी में कुछ भी नहीं, अध्यक्ष भी नहीं, वो फैसला कर रहे हैं। कैप्टन को कैसे हटा सकते हैं, किस हैसियत से उन्होंने हटाया? अब इसके बाद फिर यही वो नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जो सवाल उठा रहे हैं, बोल जाते हैं उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है और कोई परवाह करेगा भी नहीं, गांधी परिवार के सामने कोई बोलेगा भी नहीं। कांग्रेस किस स्थिति में आ गई है, यहाँ बोलने हैं लोकतंत्र की बात करना बेमानी है। जैसे ही नटवर सिंह ने ये सवाल उठाया, इसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, वो बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए बनने जा रहा है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के डिवाइड भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस यदि ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा, न जाने कांग्रेस कितनी बार डिवाइड हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की है, उसके बाद एक एक करके विरोधी स्वर उभरने लगे हैं। जो अभी तक चुप थे अब वो बोलने लगे हैं। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी बोले थे। कपिल सिब्बल तो बोल ही रहे हैं, आनंद शर्मा बोल ही रहे हैं कि तो खुल्लम खुल्ला गुंडा करती है कि यदि कपिल सिब्बल कोई सवाल उठाते हैं, जेन्युइन सवाल, तो उसके बाद उनके घर पे हमला किया जाता है, गद्दार कहा जाता है, गद्दार पार्टी छोड़ो ये प्रदर्शन किया जाता है, कांग्रेस तमाशा देख रही है, सोनिया गांधी एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। तो बहुत सारे नेता अब निकल करके आने लगे हैं और उनका एकदम इशारा साफ है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष, पिछले साल मांग उठी थी कि नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, अभी तक चुनाव नहीं हुआ और बिना चुनाव के राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलकर फैसला कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र 80 साल, राहुल गांधी 50-52 साल के, कैसे फैसला कर सकते? और वो भी किसको उसकी जगह पे लाए? नवजोत सिंह सिद्धू को लाए। नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ से आए थे? BJP से आए थे। तो एक बाहरी आदमी, आप जो है अपने आदमी जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको जो है हटा रहे हैं, ना बुला के सलाह कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, विधायक दल की नेता, विधायक दल का मीटिंग बुला करके नेता का चुनाव कराने की बात करते हैं। तो कुल मिला जुला करके कांग्रेस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, खासतौर से जो राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल है, प्रियंका गांधी जिस तरीके से उनको असिस्ट कर रही है उसको लेकर के है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो गांधी परिवार है उस पर हमला बढ़ा है। तो हमला बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये एक सत्ता से दूरी, यानी 10 साल के आप 7 साल से सत्ता से बाहर, अभी 3 साल मोदी सरकार के पास है। दूसरी बात कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, एक के बाद एक स्टेट हारती चली गई, 3 स्टेट इनके पास है, कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह पे झगड़ा, महाराष्ट्र और जो झारखंड में इनकी मिली जुली सरकार है, मतलब कि गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक नहीं, कुल ये 5 राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आखिरकार अध्यक्ष चुनाव से डर के
के चुनाव से डर क्यों लग रहा है, चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्या गांधी परिवार अपने हाथ में ही सत्ता रखना चाहता है, उसकी वजह से विपक्षी दल भी इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दल हैं जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अब जो है पंजाब कांग्रेस के बहाने या पंजाब कांग्रेस में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में जो फैसले हुए उसके बहाने जो मेन दिल्ली तक लड़ाई पहुँच गई है, ये कुछ करके मानेगी। जो पिछले एक साल से G23 ने राग छेड़ा है, उस राग को अब और ज़्यादा बल मिल गया है कि बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष नया बनना चाहिए, नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, बिना किसी हैसियत के कोई इतने वरिष्ठ नेता को नहीं हटा सकता। एक और चीज़ को लेकर के कांग्रेस ने नाराज थी, वो ये कि जिस तरीके से जिग्नेश मेवाड़ी, कन्हैया कुमार को शामिल किया गया, प्रशांत किशोर को शामिल होने की बात हो रही है, वो इन लोग को ये लग रहा है कि हम इतने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अब पार्टी में ही हैं, तो जो छोड़ के जा रहे हैं वो आपके अपने थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, कमलापति पार्टी के पोते, बहुत सारे नाम हैं जो छोड़ के चले गए, अभी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, और ये असंतुष्ट कांग्रेस में ही बने हुए कपिल सिब्बल साहब पूछ रहे हैं कि हम तो कांग्रेस में ही बने हुए हैं, जो आपके अपने थे वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो अब आप जो है बाहर से नेता ले आ रहे हैं, बाहर के लोग आकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो गया है और बढ़ता जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस शब्द भी हटा दिया है। अब देखिए ये झगड़ा कहाँ तक जाता है और कौन कौन से कांग्रेस छोड़ते हैं और कौन कौन लोग जो है इस लड़ाई में खुल करके G23 के साथ आते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आप साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इनको। थैंक यू।